बहुत ही बड़ी ट्रेजिक एक्सीडेंट है ये, और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है, टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है, ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था, एक हाई लेवल कमिटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे, किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई, वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है, जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज पे। देखो ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना, किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे, जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस रहना चाहिए। राजनीति बहुत हो रही है, विपक्ष अपना इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। तुरंत रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा, जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरों में खड़ी है अभी, ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा, अभी नहीं कहा जा सकता, इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा। डेथ टोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटिन्यूअसली आपको अपडेट किया जा रहा है, उसी नंबर को आप लेके चले। अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, इंक्वायरी होने दीजिए और सारा फोकस रेस्क्यू और जो घायल हुए हैं उनके इलाज पे फोकस करें सारा। हाल सब सारा का सारा फोकस, मैंने कहा जैसे आपसे, रेस्क्यू और इलाज पे ध्यान दिया जाए, रेस्टोरेशन पे ध्यान देना है। मैंने कहा पूरी जानकारी, पूरी इंक्वायरी की जाएगी, कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी डिटेल्ड में, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ऑलरेडी रात में ही घोषित कर दी गई थी, कमिश्नर रेल सेफ्टी वो भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे, तो कंप्लीट